अक्सर देखा जाता है कि बॉलीवुड के सितारे उल वजूल सवालों से चिढ़ जाते हैं जिसका जवाब देना वो जरूरी नहीं समझते हैं। लेकिन एक्टर टाइगर श्रॉफ ने सोशल मीडिया पर इन दिनों एक अनोखा गेम शुरू कर दिया है जिसका नाम उन्होंने रखा है आस्क मी एनीथिंग। और इस आस्क मी एनीथिंग सेशन में उनसे हर तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं जिसका जवाब भी टाइगर बेहिचक दे रहे हैं। तो चलिए हम आपको उन रोचक सवाल और जवाब को बताते हैं जिसे टाइगर ने बड़े ही मनोरंजक अंदाज में खेला है। एक फैन ने पूछा है कि क्या आप वर्जिन हैं, जिसके जवाब में टाइगर श्रॉफ ने कहा, बेशर्म मेरे मम्मी पापा भी फॉलो कर रहे हैं मुझे। दूसरे फैन ने पूछा, अभी तक तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड है? टाइगर श्रॉफ ने बताया, नॉट इनफ। टाइगर से जब पूछा गया कि क्या आप दिशा को डेट कर रहे हैं, जिसके जवाब में टाइगर श्रॉफ ने कहा, मेरी औकात नहीं है भाई। टाइगर से पूछा गया कि रैम्बो कब स्टार्ट होगी, टाइगर श्रॉफ ने कहा, बागी 3 के बाद भाई। एक फैन ने पूछा, अगर आपको हॉलीवुड में काम करने का मौका मिलेगा तो क्या आप बॉलीवुड छोड़ देंगे, जहां टाइगर श्रॉफ ने कहा, मैं नहीं छोड़ूंगा क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूं वो इसी की वजह से हूं। वहीं एक और फैन ने पूछा, आप सुबह कितने बजे तक उठते हो? टाइगर श्रॉफ ने कहा, सुबह 6:30 से 7 बजे तक। इस तरह से सोशल मीडिया पर टाइगर का आस्क मी एनीथिंग इन दिनों हॉट ट्रेंड बन गया है, जहां टाइगर ने फैन के ऐसे कई सवालों का जवाब दिया जहां उनकी फिल्मों से लेकर उनके अफेयर तक के सवाल शामिल थे। वेल, बागी 3 के बाद टाइगर की अगली फिल्म वॉर आएगी, जहां वो ऋतिक रोशन के साथ खतरनाक स्टंट करते दिखेंगे। इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है, नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। बॉलीवुड की सभी चटपटी और मजेदार खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।